राजनांदगांव जिले में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव के लिए जिला कार्यालय में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया है और दावा आपत्ति मंगाई जा रही है। दावा आपत्ति के पुनः निरीक्षण के लिए 22 जनवरी तक की तिथि निर्धारित की गई है। जिला उप निर्वाचन अधिकारी और संयुक्त कलेक्टर खेमलाल वर्मा ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के साथ ही संशोधन के लिए 13 और 14 जनवरी को विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो राजनांदगांव जिले की विधानसभाएं हैं, जिसमें डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खुज्जी और राजनांदगांव, ये चारों विधानसभा के लिए मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन आज 6 जनवरी को हो गया है और सभी मतदान केंद्रों में अविहित अधिकारियों की नियुक्ति करके दावे आपत्तियां लेने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का ये कार्यक्रम 6 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक चलेगा। श्री वर्मा ने बताया कि मतदान केंद्रों में पुनर्व्यवस्था, अनुभागों का गठन, मतदान केंद्रों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा निर्वाचक नामावली में खराब फोटो की जगह उच्च गुणवत्ता वाली फोटो को भी अपडेट किया जाएगा।